पिछले पाठ में हमने 10 ग्राम से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस पाठ में हम इसके बारे में और जानेंगे। अगली सुबह फिर सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। सभी बब्बन का इंतजार कर रहे थे। तभी बब्बन एक अलग ही तरह का 10 ग्राम अपने हाथ में लेकर वहां पहुंचा। सभी लोगों ने उत्साहित होकर बब्बन को घेर लिया। बब्बन ने बताया कि वो आज एक 7 टुकड़ों वाला 10 ग्राम लाया है। लोगों को बब्बन पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि बब्बन फिर कोई शरारत कर रहा है। गोलू ने उससे कहा कि यदि वो सच में एक 10 ग्राम था तो क्या बब्बन उससे कोई आकृतियां बना सकता है? बब्बन ने 10 ग्राम के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया और इस तरह का एक खरगोश बनाया। बन्नी ये खरगोश देख बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि वो बिल्कुल उसकी तरह नजर आ रहा है। अब बन्नी भी 10 ग्राम के टुकड़ों का इस्तेमाल कर ये खरगोश की आकृति बनाना चाहता है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि बब्बन ने इस खरगोश की आकृति में 10 ग्राम के टुकड़े किस तरह से जोड़े हैं? शाबाश बच्चों, आपने इसे बिल्कुल सही पहचाना है। खरगोश की आकृति सीख बन्नी और कुछ लोग अपने अपने घर 10 ग्राम के बारे में उत्साहित होकर बताने चले गए। अप्पू केवल खरगोश की आकृति देख बब्बन से प्रभावित नहीं हुआ। उसने उसे अपने प्रिय दोस्त तूफान कछुए की आकृति बनाने को कहा। बब्बन सोच में डूब गया। बच्चों, क्या आप ऐसे 10 ग्राम के टुकड़े अपने अध्यापक या किसी बड़े की मदद से बनाकर बब्बन को तूफान कछुए की आकृति बनाने में मदद कर सकते हैं? अरे वाह बच्चों, आपने तूफान कछुए की बहुत सुंदर आकृति बनाई है। ये आकृति देख अप्पू और कुछ और लोग अप्पू के साथ तूफान के पास उसे ये आकृति दिखाने चले गए। शेर खान कछुए की आकृति देखकर भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने बब्बन से कहा कि क्या वो 10 ग्राम के सारे टुकड़े इस्तेमाल कर एक आयत रेक्टेंगल बना सकता है? बच्चों, क्या आप शेर खान की पूछी आकृति बना सकते हैं? शाबाश, आपने इसका बिल्कुल सही हल ढूंढा है। बब्बन ने भी ठीक आप ही की तरह 10 ग्राम के टुकड़ों से इस तरह से आयत बनाया। अब शेर खान और उसके कुछ मित्र भी बब्बन से प्रभावित होकर वहां से चले गए। इसके साथ ही सारे लोग घर चले गए। केवल भोला ही वहां अब भी खड़ा था। बब्बन ने भोला से पूछा कि वो उसे प्रभावित करने के लिए कौन सी आकृति बनाए। तब भोला ने उसे कहा कि उसे कोई आकृति नहीं बनवानी थी। वो बब्बन से 10 ग्राम के बारे में सीख उसकी बुद्धिमत्ता से पहले ही बहुत प्रभावित था। दोनों बब्बन और भोला हंसने लगे। इस पाठ में हमने कुछ और दिलचस्प उदाहरण द्वारा 10 ग्राम के बारे में और जाना।